वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है किडनी फेलियर्स या फिर गुर्दों के फेल होने की सूरत में आपको जो है वो कौन से मेडिकल तौर पर कौन से टेस्ट किए जाते हैं या फिर इसके लिए क्या तरीका इलाज है वो अपनाया जाता है, और इसके अलावा जिन अफराद को गुर्दों के मर्ज का मसला हो इनको कौन सी एहतियाती तदाबीर पर जो है वो अमल करना चाहिए गुर्दों के मजीद मसाइल से बचने के लिए, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर में आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, ऐसे कौन से टेस्ट कहे जाते हैं जिनसे किडनी फेलियर्स की जो तशखीस की जाती है। मरीज के अलामत जाहिर होने के बाद खून के टेस्ट किए जाते हैं। मरीज में अलामत जाहिर होने के बाद जो खून के टेस्ट करवाने के लिए कहा जाता है, जो कि डॉक्टर आपको जो है वो लिख कर देते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड जो है वो गुर्दों की खराबी का पता करने के लिए, अगर खून के टेस्ट में ज्यादा वाजिया तौर पर तशखीस ना हो पाए तो डॉक्टर जो है वो अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जो है वो कहते हैं, ताकि गुर्दों की खराबी का जो है वो पता चल सके। लेकिन किडनी फेलियर से पहले इंसान जो है वो उसे बच सकता है, यानी अगर पहले से कोई आपको गुर्दों या फिर किडनीज का कोई मसला हो या मर्ज हो, क्योंकि एक मर्ज नहीं होता, इसके डिफरेंट अमराज होते हैं, मुख्तलिफ अमराज होते हैं, जैसे कि गुर्दे में पथरी होती है, गुर्दे की सोजिश होती है, या फिर कुछ ऐसी दूसरी बीमारियां होती हैं जो कि इन पर जो है वो असरअंदाज होती हैं। तो ऐसी सूरत में आपको जो है वो इन बीमारियों का जो है वो पहले अच्छे तरीके से अगर आप इलाज करवा लेते हैं तो आप मजीद यानी किडनी फेलियर जैसे मसले से जो है वो बच जाते हैं। यानी अगर किसी भी किस्म की बीमारी पहले से हो तो उसका इलाज जो है वो लाजमी करवाना चाहिए, क्योंकि इलाज ना होने की सूरत में ही इंसान जो है वो किडनी फेलियर की तरफ चला जाता है। गुर्दों के माहिरीन के मुताबिक तशखीस के मुताबिक गुर्दे मुश्किल तौर पर अगर फेल हो गए हैं यानी नाकारा हो चुके हैं, तो फिर ये मुश्किल है कि गुर्दे दोबारा अपना जो है वो काम दोबारा कर पाए, दोबारा अपने सिस्टम को जो है वो नॉर्मल तरीके से जो है करने के काबिल हो। यानी मुश्किल तौर पर फेल शुदा जो गुर्दे होते हैं उनके साथ जिंदगी गुजारना जो है वो मुमकिन नहीं है, और ऐसी सूरत हाल में इंसान को जिंदा रखने के लिए इन गुर्दों की जो है वो सफाई की जाती है। यानी मुश्किल तौर पर ऐसे अफराद होते हैं वो डायलिसिस पर होते हैं या फिर गुर्दों की तब्दीली जो है ऐसे लोगों के लिए लाजमी हो जाती है, जो कि एक बहुत महंगा प्रोसीजर है। आई थिंक बहुत सारे लोग इस बात से अग्री भी करेंगे, इतने महंगे प्रोसीजर कराने की बजाय आई थिंक फैमिलीज में बहुत सारे अफराद करवाते ही नहीं है। तो जाहिर बात है एक ओल्ड एज के वालिदैन पर भी बहुत कम लोग जो है वो लाखों का खर्चा करते होंगे, और इन द एंड आई थिंक बाद दफा लोग डिसीजन लेते हुए भी सोचते हैं कि पैसा वेस्ट होगा। तो इसलिए आई थिंक उस इंसान को धीरे धीरे खुदा के रहम पर या फिर मरने पर जो छोड़ दिया जाता है, और इन द एंड आई थिंक हम सबको पता है इंसान फानी है और सबने इस जहां से जाना है। समटाइम ये भी होता है कि बहुत सारा पैसा भी लगा दिया जाता है और इन द एंड ना तो उस इंसान की लाइफ बचती है और ना ही पैसा बचता है, जो कि आई थिंक एक बिटर ट्रुथ है, एक तलख हकीकत है। आप भी मेरे साथ बहुत सारे लोग अग्री करेंगे, अगर आप अग्री भी करते हैं तो प्लीज कॉमेंट में लिखिएगा, डिसअग्री भी करते हैं तो प्लीज कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट ये है कि गुर्दे मुकम्मल तौर पर फेल होने की सूरत में समटाइम इसका सबसे बेहतरीन इलाज जो है वो गुर्दे की तब्दीली है, ट्रांसप्लांट है। इसके मुतालिक जारी बातें माहिरीन तिब और डॉक्टर जो है वो इसका बेहतर तौर पर फैसला करते हैं, और इस फैसले को करते हुए जो है वो उम्र की हद को भी जो है वो देखा जाता है। यानी जो पहले बात हुई है कि ज्यादा उम्र के लोग होंगे तो जारी बात है डॉक्टर्स क्या इवन फैमिलीज वाले लोग भी पैसा नहीं लगाएंगे, वो एक अलग कहानी होगी कि कोई एक्सपेरिमेंट के चक्कर में किसी के पैसे भी जो है वो लगाकर अपना एक्सपेरिमेंट जो कर जाएंगे वो आई थिंक डॉक्टर्स ही होंगे, क्योंकि ये भी एक अलग कहानी है, एक डार्क स्टोरी है। हमारी सोसाइटी या फिर अदारों की जो है वो एक डार्क साइड होती है जिससे शायद बहुत कम लोग वाकफ होते हैं, लेकिन ऐसा होता है। इसके अलावा गुर्दा लेने और देने वालों के खून का ग्रुप जो है वो एक जैसा इसके लिए होना चाहिए, यानी उम्र के बाद जो है वो इनके खून के ग्रुप का या ब्लड एक जैसा होना जो है वो जरूरी होता है। इसके अलावा गुर्दे लेने या फिर देने वाले अफराद में जितना खूनी रिश्ता होगा गुर्दे की तब्दीली में कामयाबी के इम्कान जो है वो उतने ही ज्यादा होते हैं, यानी क्लोज रिलेशन होना जो है वो लाजमी है। लेकिन बाद दफा बहुत सारे डोनर्स जो होते हैं वो रिलेटिव्स नहीं होते हैं, स्ट्रेंजर्स होते हैं। इनफैक्ट एक मशहूर अदाकारा, हॉलीवुड की एक मशहूर अदाकारा ने भी बहुत छोटी उम्र में उनका जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, और ये किडनी जो है वो उसको उसकी एक दोस्त ने दी थी। इस स्टोरी के हवाले से कोई जानता है तो प्लीज कॉमेंट में लिखिएगा, कॉमेंट में जरूर लिखिएगा,
या अगर ये भी जानते हैं कि वो फ्रेंड उसकी कोई रिलेटिव थी या फिर एक दोस्त जिससे शायद खून का रिश्ता नहीं होता है, लेकिन वो इंसान सगे रिश्तों से भी ज्यादा अजीज होता है। लेकिन उनकी कहानी में तो ऐसे कहा गया है कि वो एक एक्ट्रेस की वो जो है वो एक दोस्त थी जिसने अपनी किडनी जो है वो डोनेट की थी। ये तो किडनी फेलियर की सूरत में टेस्ट और तरीका इलाज की बात होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि एहतियाती तदाबीर जब ऐसे अफराद को क्या अपनानी चाहिए। ऐसे मरीज जिनके गुर्दे जो वो फेल हो चुके हैं, उनको जब अपनी खुराक के बारे में जो मुकम्मल तौर पर अवेयरनेस होनी चाहिए, इनको आगाही होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स का मरीजों का इलाज जो वो खुराक में जो वो एहतियात करने से जो वो काफी हद तक इनको मदद मिलती है। यानी इसको इस बात से भी जोड़ा जा सकता है कि इलाज से परहेज जो बेहतर है, क्योंकि हम खाते हुए बहुत ज्यादा बद परहेजी करते हैं, यानी कभी ज्यादा खा लिया, मुरगन खा लिए, तो इन चीजों से जब आप बचते हैं, एक नॉर्मल गिजा खाते हैं, तो यकीनन आपके खुद के लिए जो एक बेहतर आपके लिए बेहतर साबित होती है। प्रोटीन जिनको लहमियात भी कहा जाता है, इनकी खुराक में जो शामिल होना चाहिए। इंसान की खुराक में सबसे अहम हिस्सा जो होता है वो प्रोटीन होते हैं, या जिनको लहमियात कहा जाता है, ये इंसान की गिजा का जो एक लाजमी हिस्सा होता है। लेकिन जब इंसान जो है वो गुर्दों के मर्ज का शिकार हो, यानी गुर्दे कमजोर हो चुके हों, तो ऐसे अफराद को जो खाने में प्रोटीन की मकदार को जो कम कर देना चाहिए। यानी आपको मुकम्मल तौर पर इसको बंद नहीं करना चाहिए, आप जितना खा रहे हैं उससे जरा उसकी थोड़ी उसकी मकदार को जो कम कर लें। इसके अलावा आपको ऐसे फल जो है वो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए जिनमें पोटेशियम की मकदार जो वो ज्यादा होती है, क्योंकि ये पोटेशियम की मकदार जो वो इन मरीजों के लिए जो नुकसानदेह होती है। तो आपको फल खाते हुए जो है वो ऐसे फल जो कि आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो वो खा सकते हैं, क्योंकि पोटेशियम की ज्यादा मकदार जो है वो ना सिर्फ गुर्दों पर बल्कि ऐसे मरीज के दिल पर भी असरअंदाज होती है। इन शॉर्ट के आपको प्रोटीन और पोटेशियम जो है वो बिल्कुल खाते हुए जो है वो एहतियात करनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे अफराद जो कि डायबिटीज और ब्लड पेशारी खून यानी डायबिटिक पेशेंट है और हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं, ऐसे अफराद को जो है वो अपनी इन बीमारियों का इलाज जो है वो करवाते रहना चाहिए। यानी जो आपको मेडिसिन, क्योंकि ऐसे अफराद जो होते हैं वो मुस्तकिल तौर पर मेडिसिन पर होते हैं, यानी इनको अगर डायबिटिक है, डायबिटीज का शिकार है, तो जाहिर बात मुस्तकिल तौर पर या तो इंजेक्शन की सूरत में लोग दवाई ले रहे होते हैं या फिर मेडिसिन की सूरत में। तो ऐसे अफराद को जो डॉक्टर से जो हमेशा डॉक्टर से जो हमेशा रबते में रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बीमारियां जो इंसान के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जो काफी असरअंदाज होती हैं और खास तौर पर गुर्दों पर जो ज्यादा असर करती हैं, यानी किडनी फेलियर का ज्यादा खतरा जो इन लोगों को होता है। यानी ऐसे अफराद जो डायबिटिक है और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज है, तो इनको जो अपने इलाज और परहेज से जो इन दोनों बीमारियों को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इनको कंट्रोल रख के ही ऐसे लोग वो किडनी फेलियर से बच पाएंगे, किडनी फेलियर से बचा जा सकता है। यानी इन दोनों बीमारियों को कंट्रोल करने की सूरत में ही गुर्दों को नकारा होने से और किडनी फेलियर से बचा जा सकता है। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से, उसको कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।